किसको टोपी देता, कौन किसको धोखा देता, कौन चोर कौन है साधु, कौन है सच्चा कौन है झूठा। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, सच्ची बातें कहानी में लिपटा, खुशियों की स्वागत लेकर हंसी का तोहफा। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। ऐसा चरित्र बड़ा ही विचित्र, ठुमक ठुमक कर कर देखो नृत्य। ऐसा चरित्र कानों से सुनो जरा, छुप छुप सोचो जरा, आंखों से देखो जरा। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। इस बार की कहानी महा एकादशी। गोपाल बताऊं तो तुम क्या महा एकादशी करते हो? हाँ, मैं अपने पिता के मृत्यु के बाद से करता था और अभी भी करता हूँ। पहले मैं शास्त्रीय मत से करता था, अब मैं अच्छा खाने पीने के लिए करता हूँ। बतासी बेटा, जल्दी से चावल धो के लाना, ला रही हूँ। क्या लक्ष्मी, खाना बना कि नहीं? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ हाँ, बनी चुका है, आप नहा के आइए, तब तक तैयार हो जाएगा खाना। ठीक है, मैं नहा कर आता हूँ। अरे बतासी, इस समय तो स्वामी को देखते हैं कि दिन रात पूरी तरकारी और मिठाइयाँ बड़े मजे ले लेकर के खा रहे हैं। ये क्या आप नहीं जानते हैं, आज एकादशी है, मालिक का आज व्रत है। ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। हाँ, तब तो मैं अब इस बार से स्वामी की तरह महा एकादशी करूँगा और खूब मजे से खाऊंगा। नकुल, ए नकुल आ खाना खा ले। ए नकुल आ खाना खा ले आके। आ हाँ मालकिन, दीजिए तो। ले ये ले, खा ले खाना। क्या हुआ नकुल, तू अचानक यह सब खाना खा रहा है? आपको देखकर नकुल भी एकादशी का व्रत रखा है। ठीक है ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, एकादशी सबको करना चाहिए। कारण यह है कि एकादशी करने से सुख और शांति दोनों ही मिलते हैं। मुझे मालूम है तू एकादशी क्यों किया है, मेरे साथ साथ मिठाई पूरी खाने के लिए रुक, तुझे मैं मजा चखाऊंगा। ले खा, ठीक से खा, पेट भर के खा। लक्ष्मी, इसे दो तीन पूरी और दो। हाँ दे रही हूँ, दे रही हूँ। क्या रे बतासी, कम मैदा गूंथोगी, हमें तो बहुत भूख लगी है जी। आज मैदा नहीं गूंथूंगी, आप पूरी मिठाई नहीं खा पाइएगा। क्यों क्यों? सुनी हूँ आज महा एकादशी है इसीलिए। यह कैसी बात है, ये कैसा जोग है, लगता है मालिक से मुझे बात करनी होगी। मालिक मालिक, मुझे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। मालिक, आप तो प्रति एकादशी को पूरी तरकारी मिठाइयाँ खाया करते थे, लेकिन अभी तक तो आप कुछ नहीं खाए। आज जैसा तैसा एकादशी नहीं है, आज महा एकादशी है,
आज निर्जल उपवास रहना पड़ता है, पानी का एक बूंद भी नहीं पीना है। छी छी छी, यह क्या बात है? मैं सोचा था एकादशी करूंगा, लेकिन यह तो गड़बड़ हो गया। अब मैं कान पकड़ता हूँ, जीवन में कभी एकादशी नहीं करूंगा। आज बहुत अच्छी तरह सबक सीखा है। जिंदगी में कभी भूल कर भी पूरी मिठाई खाने के लालच में एकादशी करने का नाटक नहीं करेगा।